स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप कंबाइंड टॉयलेट बनाना चाहते हैं और साथ में आप वृद्ध व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए, आपके घर में कोई बुजुर्ग है उनको ध्यान में रखते हुए इंडियन प्लस में वेस्टर्न दोनों सीट लगवाना चाहते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है कि एक्चुअली में कितना स्पेस छोड़ना चाहिए। ये देखिए बाथरूम एरिया है, ये वॉश एरिया है, इधर आप बाथरूम बना सकते हैं। प्लस में ये इस साइड जो आपका दोनों सीट फिक्स किया गया है, तो इसके लिए जो स्पेस है प्लस में वॉल से कितना दूरी पे आपका सीट बैठाना है ये भी मैं डिटेल में बताऊंगा। साथ में आप देखिए टाइल्स कितने हाइट तक लगाना है ये भी आपको क्लियर होगा, और आपका शावर का पॉइंट कितने हाइट पे होना चाहिए ये वीडियो आप लास्ट तक देखें। नल फिटिंग, अगर ये आपका नल फिटिंग जो है, मिक्सर जो है, इसका हाइट कितना होना चाहिए। चलिए ये जो देखिए कमोड और प्लस में इंडियन सीट लगा गया है, तो इसका जो लंबाई है 7 फीट, लंबाई 7 फीट और चौड़ाई 6 फीट, यानी कि ये जो टॉयलेट जो बनाया गया है कंबाइंड 7x6 फीट में बनाया गया है और एकदम कंफर्टेबल है। अगर आप भी बनाना चाहते हैं 7x6 में इस तरह से फिक्स कर सकते हैं। दोनों को फिटिंग कैसे करना है और प्लस में कितना डिस्टेंस रखना है ये पूरा डिटेल आपको जानकारी मिलेगा। देखिए ये लंबाई हो गया, ओके, तो ये लंबाई आपका 7 फीट है, लेकिन इनर टू इनर जो फिनिशिंग करने के बाद, टाइल्स लगाने के बाद जो डायमेंशन है 6 फीट आपका 9 इंच है, और ये जो हाइट जो शावर देख रहे हैं शावर 7 फीट पे लगा हुआ है, ओके। चौड़ाई आपका इनर टू इनर जो डायमेंशन है ये फिनिशिंग करने के बाद 5 फीट 10 इंच, ये देख रहे हैं आप। ये देखिए इधर सीट लगा फिक्स है और प्लस में ये आपका बाथरूम हो गया, तो इसका साइज जो है बाथरूम का ये भी आपको क्लियर होगा। ये देखिए ये जो शावर जो फिट है आपका 7 फीट पर, और ये जो मिक्सर फिट है 2 फीट 8 इंच, यानी कि आपको 3 फीट से ज़्यादा हाइट पे नहीं रखना है, ये आपकी से ग्राउंड लेवल से ग्राउंड फ्लोर है, इसे आपको 3 फीट पे रखना चाहिए, ये 3 फीट पे लगाना चाहिए, ओके, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अब इसका डायमेंशन थोड़ा जान लेते हैं कि ये जो डायमेंशन है इसका कितने में दोनों फिट है। तो हम देखें इसके पीछे से देखते हैं, अगर ये जो सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे देख रही है सिस्टम, तो ये सिस्टम से वाल से जो ये सीट जो फिक्स करेंगे 10 इंच, ये जो दूरी हम देखेंगे 10 इंच, इसके फ्रंट में भी यहाँ पे जो स्पेस छोड़ा गया है, ओके, ये भी आपका 9.5 इंच है, तो आप 10 इंच रख सकते हैं, ओके। अब देखिए जो ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है ये जो हाइटेड किया गया है, इसे ये 4 इंच हाइटेड किया गया है, ये बाथरूम एरिया हो गया, ये वॉश एरिया हो गया, तो ये आपका जो एरिया है इसे 4 इंच ऊपर किया गया है, और इसके ऊपर जब किया गया है तो ये कितने पे प्लेटफॉर्म बना है ये आप देख सकते हैं। तो एक्चुअली में ये है आपका 3 फीट 5 इंच पे, ये आपका 3 फीट 5 इंच है, तो आप 3.5 फीट भी रख सकते हैं, 3 फीट 2 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम आपका 3 फीट 4 इंच से कम मत कीजिएगा, क्योंकि ये वाला जो स्पेस होता है ना फ्रंट में ये 7 इंच से कम नहीं होना चाहिए, एक्चुअली यहाँ पे 10 इंच है, ओके। अब ये वाला जो डायमेंशन है आप देख रहे हैं, ये वॉश एरिया है, ये बाथरूम है, ओके, तो इसका जो एरिया है टोटल आपको मैंने बता दिया कि यहां से इनर डायमेंशन है आपका 6 फीट 9 इंच है, ओके, इनर डायमेंशन है। ये टाइल्स लगाने में एक्चुअली ये जो लेंथ है आपका 7 फीट का है, उसमें जो फिनिशिंग करके आपका टाइल्स लगा कर दोनों साइड लगा के ये आया 6 फीट 9 इंच फिनिशिंग आइटम में आया है, तो ये जो एरिया है सफिशियंट है, ये भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख लीजिए ये कितने का है, ये ठीक है, ये देखिए 43 फीट 4 इंच का, ये जो एरिया है आपका जिसमें आपको नहाना है, ये आपका शावर लगा हुआ है, ये मिक्सर लगा हुआ है, वाल मिक्सर लगा हुआ है, तो ये जो एरिया है आपका 3 फुट 4 इंच है, और ये वाला एरिया 3 फुट 5 इंच है, तो हो गया ना 6 फुट 9 इंच, ओके। अब देखिए इसका जो चौड़ाई है, अब ये चौड़ाई हमने बताया कि 5 फुट 10 इंच इनर टू इनर डायमेंशन है, अगर पूरा लेंथ देखें विदाउट चक्कर या अगर टाइल्स नहीं लगा होता तो ये 6x7 में बना हुआ है, 6 फीट चौड़ाई है, तो ये देखिए यहाँ पे आप क्या करना है, कम से कम ये जो डिस्टेंस है आप देख रहे हैं आपको 1 फीट रखना है इधर, और ये दोनों, ये देखिए इंडियन सीट और वेस्टर्न के दोनों के बीच का जो दूरी है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो गैप मेंटेन किया गया है
18 इंच यानी कि आपका 1.5 फुट मेंटेन किया गया है। ये दोनों का बीच का दूरी 18 इंच है, 1.5 फीट मेंटेन किया गया है। प्लस में इधर से भी देखिए 16 से 17 इंच होगा ये। ओके, तो आप 1 फीट भी इधर से रख सकते हैं इस साइड से। ओके, क्योंकि यहाँ नल आपको फिट करना होता है इस साइड में, आप देख रहे हैं। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट आता है कि जब हम ये सिस्टम फिट करते हैं तो इसकी हाइट कितना होना चाहिए, इसका हाइट कितना होना चाहिए आप मेजर कर लीजिए। देखिए आप यहां से मेजर कर लीजिए। ओके, ये 26 इंच है यानी कि फ्लोर से आपका ऊपर तक 26 इंच है, तो आपको ये 26 इंच पे। अब देखिए यहाँ जो हाइट है यानी कि ये जो नल लगा हुआ है इसका हाइट कितना होना चाहिए, तो ये हाइट इतना रखिए ताकि यहाँ पे एक बाल्टी लग सके। तो इसका हाइट आपका देख सकते हैं 17 इंच पे है, ये 17 इंच पे है। प्लस में आपका ये यहाँ पे भी ये देखें 17 इंच पे है और ये, लेकिन ये सिस्टम वाला ज्यादा पे है आपका, ये 26 इंच पे है। ओके, तो इस तरह आप अगर बनवाना चाहते हैं अपना टॉयलेट बाथरूम बनवाना चाहते हैं बनवा सकते हैं। और इसका जो हाइट है देखिए, जैसे मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये जो शावर का हाइट है आपको 7 फीट पे रखना। और ये जो टाइल्स लगाए हैं आप देख रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग टाइल्स लगा सकते हैं। जब ये टाइल्स लगाएंगे तो इसका जो हाइट होता है, जो भी दरवाजा होगा, देखिए ये दरवाजा है, ओके, इसके लेवल से यानी 7 फीट लेवल पे, पूरे लेवल पे आप इसका लगाएंगे। आप प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे वेंटिलेशन दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है, तो प्रॉपर होना चाहिए पूरा, आप इसके टाइल्स लगा सकते हैं। एक और मैं बात कर दूं कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये देखिए ये जंग लगा हुआ है। ओके, इसका रीजन ये है कि जब कभी भी हम टाइल्स के वॉश करने के लिए जो केमिकल यूज करते हैं, जैसे ये जब टाइल्स लगा होगा, जब इसको धुलाई हो रहा होगा, तो जो केमिकल यूज किया जाता है उस समय आपको जितने भी एसएस होता है, स्टील का होता है, उस पर आपको ऑयल लगा देना, चाहे क्रोसिन ऑयल लगा दीजिए या सरसों ऑयल लगा दीजिए। लगाने के बाद ही टाइल्स का केमिकल को ओपन कीजिए, अदरवाइज क्या होता है कि उसी का रीजन है कि आपको ये देखिए जंग लग गया है और इसको पूरा कवर कर दिया गया होगा। तो आप जितने भी एसेस होता है टाइल्स का जो केमिकल यूज करने से पहले पूरे इसको कवर कर दीजिए या तो ऑयल लगा दीजिए ताकि यहाँ पे जंग न लग सके। देखिए ये भी जंग लग चुका है, तो रीजन वही है कि आप इसमें केमिकल ओपन करते समय इस पे ऑयल नहीं लगाया गया है। अगर आप सबको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करें कि अगर आप टॉयलेट बनाना चाहते हैं, देखिए देखिए अब एकदम कंफर्टेबल है। जैसे कि आप देखिए यहाँ से आएंगे, ये देखिए दरवाजा हो गया आपका, जैसे ही हम यहाँ से इंटर करेंगे तो आपको सीट, दोनों सीट प्रोवाइड होगा। ये साइड में कॉर्नर में देखिए आपको ये मिल जाएगा और इसका स्पेस मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 6x7 में ये बना हुआ है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। बहुत सारे कॉमेंट आया था कि सर मैं दोनों बनाना चाहता हूँ एक ही में, तो उसके लिए मिनिमम साइज क्या होना चाहिए टॉयलेट बनाने के लिए, इंडियन सीट प्लस में वेस्टर्न सीट दोनों में वहां पे फिक्स करना है, मुझे लगवाना है, तो उसके लिए साइज क्या होना चाहिए, तो ये मैं पूरा डिटेल बना आप लोग को बता दिया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सिविल साइट नॉलेज से जुड़े रहे।